दर्शक बंधु जदि भी आपण माने आम चैनल इंडार कोडिया को सब्सक्राइब करना तेबे प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु। तो चलंतु आज कहानी को आरंभ करिबा। मनोज भाई कहते कि से दिन होता है 2013 मसीहा डिसेंबर मास 31 तारीख संध्या बेल ठारु ही आमे सांग माने मिसिकरी गोटे फिस्ट आरंभ कर दे थाउ। सेपटे सांग माने रोसई करथंती हेले मु एवं मोर आउ किछि सांग बसी तास खेलु थाउ। हठात आम गाँर 11 बर्षर पिला बाबू दौड़ी दौड़ी मो पाख को आसिला एवं कहिला, भाई तुम बहुत तुम खोजुंती, तुम गाई कौन एपर्यंत घर को आसीनी। एहा सुनी मु उठिली एवं बाबू सह जिबाकु लागिली। घरे पहुँची देखिली बो बहुत व्यस्त थिला। आम घरे मोते एवं बो को छाड़ी आउ केही भी नथिले। मु बो को कहली, बो तू व्यस्त होनी, चिंता करनी, मु जाऊची देखे गाई कुआडे गला। एतिकी कहिबा परे मु आम घर टॉर्च आनली एवं फिस्ट होउतिबा स्थानरु आउ गोटे सांग सोनू को नहीं गाई खोजिबा पई बाहरी गलु। शीत दिन होइतिबारु कुहुडी सहित अंधार संध्या 7टा रु ही जेपरी राति 12टा भली दिशुथाए। टॉर्च नहीं सबुआड़े देखिनेलु हेले आमर सबु कष्ट व्यथा होइगला, कारण गाई आमको एपर्यंत मिलिनथिला। एक घंटा गाई को खोजिबा परे मध्ये जेतेबेले आमको गाई न मिलिला तो मु निराश होइगली एवं सेठारे रास्ता कड़े बसी पड़िली। मोते एपरी निराश देखी सोनू कहिला, अरे तो निराश होनी, लगुच तो गाई बोते जंगल आड़ चल जा, चल घर को जीवा, काली सकाल हले देखा। यापर मु कहली, काली सकाले कौन पाई, चल एबे जीवा। मोर एपरी कथा सुनी सोनू कहला, हे ए कौन कौच तु एबे जीवा, तू जानु बोते गाँ लोक कहते कि जंगल रे आत्मा माने सबू घूरी बुलुचंती। सोनू मुहरु एपली कथा सुनी मु टिके रागिबा सहित कहली, हे तू काई से फालतू कथा कहु, कहलु भूत भूत किछि भी नाही, मु से बेकार कथा को विश्वास कर नाही, तू जीवु जदि चा नहले मु एका जाउची। यापरे सोनू मो कथार किछि भी उत्तर देला नाही। तार एपरी चुप रहिबारु जणा पड़ला कि से मो सहित जीवा पई चाहुनी। तो मु एकुटिया ही जंगल आड़ जीवाकू लगिली। जंगल को रास्ता पूरापूरी अंधार रे छाई हो रही थाए, आलोकर एकमात्र सहारा मोर टॉर्च थिला। हेले सेटा भी से घन जंगल अंधार एवं कुहुड़ी रे कम थिला। दूर दूर जाए से जंगल रास्ता रे मो छड़ा मनीष तो दूर कथा, को पशुपक्षी मध्य नथिले। किछि समय चलिबा परे एबे मु जंगल भितरे पहुँची सारी थाए। एभली सुनसान जान जंगलटा जाक जेपरी निदरे सोइछि, एमिति भितरे मु व्यस्त होताए। एते बड़ जंगल कि एते सुनसान मोते किछि भी फरक पड़ुनी, मोते तो केवल मो गाई दरकार। एहा भाभी एबे मु जंगल भितरे आउ गोटे पतला रास्ता रे जीवी कौन कि हठात मोते मो पछरु गोटे शब्द आसिला, अरे मनोज तुम गाई यही जंगल नहीं। यही शब्द सुनी मुझे बड़े पछ को चाहली कि मोर ठीक पछरे रघुदादा छिड़ा होइथिले। एपरी अचानक रघुदादा को देखि मु विस्मित होइगली। पुणी आउ थरे रघुदादा कहले, अरे पुओ तुम गाई ये जंगल नहीं, गाई सेपट को जाइछि, मो सह आस, मु तते देखौछि। मु कहली, हौ दादा चलंतु। तापरे मो रघुदादा पछे पछे जीवाकू लगिली। मोते किछि भी जणा न थाए कि रघुदादा मोते कुआडे नेउछंती। किछि दूर जीवा परे रघुदादा अचानक रहिगले, तो मो टॉर्च लाइट सीधा जाई रघुदादा पाद उपरे पड़िला, जहाकू देखि मु जेपरी गोटीपण थरिबाकू लगिली। घटना कौन थिला ना, जेपरी टॉर्च लाइट रघुदादा पादरे पड़िला तो तांको पाद ही नथिला। एहा देखी मोते तुरंत ही मन पड़गला कि रघुदादा किछि मास पूर्वरु ही मरी सारिथिले, तो ए किए।
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତି କି ହଠାତ୍ ରଘୁଦାଦା କହିଲେ କି ହେ ଦେଖେ ତୋ ଗାଈ ସେପଟେ। ଏତିକି କହି ରଘୁଦାଦା ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ମୋତେ ଦିଶିଲା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଗାଈ ଧରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘରେ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ହେଲେ ମୋ ଦେହ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଖରାପ ରହିଲା। ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡେଉଁରିବା ବାନ୍ଧିବାରୁ ମୋ ଦେହ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗାଈ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ତ ମୁଁ ରାକେଶ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହିତ। ସେବେ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନଡାର୍କ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।